नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर लखनऊ से है, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर हर बार की तरह इस बार भी यहां के इस्कॉन मंदिर में विशेष आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 19 तारीख को इस्कॉन मंदिर में सुबह 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। साथ ही श्री कृष्ण को 256 तरह के व्यंजनों से भोग भी लगाया जाएगा। है उसका मेन उद्देश्य है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी महामहोत्सव। जन्माष्टमी परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, जो कि इस बार तिथि के अनुसार 19 अगस्त को पड़ रहा है। तो 19 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव होगा और 20 अगस्त को नंद उत्सव होगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने के लिए आज लखनऊ के होटल ताज में पीएचडी चैंबर के साथ बैठक की गई, जिसमें प्रदेश के इकोनॉमी 1 ट्रिलियन बढ़ाने के थीम पर कार्यक्रम रखा गया। राजधानी में होटल को पर्यटकों के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई। साथ ही राजधानी के कई होटल व्यापारी की सलाह भी सुनी गई। वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शिरकत की और प्राइम टीवी से खास बातचीत में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर्यटन और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र के तमाम जो हमारे संगठन हैं, उनका आज यहाँ ताज होटल में एक कॉन्क्लेव आयोजित था, जिसमें हम लोगों को आपके बीच रूबरू होने का मौका मिला है। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में पर्यटन के क्षेत्र में जो रुकावटें आईं, उनको दूर करते हुए आज हम लोग उत्तर प्रदेश को 76% ग्रोथ, जहाँ कंट्री ग्रोथ 70% है, वहाँ यूपी की ग्रोथ पर्यटन के क्षेत्र में 76% है, उस ग्रोथ के साथ पुनः उठ के खड़े हुए हैं और इस आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में पहली डेस्टिनेशन यूपी होगी, सबसे पहली पसंद पर्यटक की यूपी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के टूरिज्म मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, आज यहाँ पे बैठक की गई, टूरिज्म के बढ़ाव को लेकर तमाम चर्चाएं की गई, कैसे बदलेगी उत्तर प्रदेश की जो टूरिज्म की दशा? उत्तर प्रदेश टूरिज्म की सूरत और सीरत दोनों बदलेंगी 5 साल में देखिएगा। ये उत्तर प्रदेश पहली पसंद टूरिस्ट की बनेगा, इसके लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। कल ही इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड भी बना है, हम लोग सतत रूप से प्रयासरत हैं, बहुआयामी प्रयास चल रहे हैं। सर, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पहले 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज के समय कुशीनगर जीवन में भी काम चल रहा है, तो इसको विकास कैसे किया जाए? क्योंकि कुशीनगर की अगर बात की जाए तो महज अभी 1 फ्लाइट चल रही है। हम लोग एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और बाई वाटर कनेक्टिविटी नदियों के द्वारा भी तीनों देने का काम कर रहे हैं। अकेले एयरपोर्ट की बात मत करिए, हमने हेलीपोर्ट भी दिए हैं। विकास के जो 6 महीने की खाका है वो क्या है आपके विभाग का? बहुत अच्छा, अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश का टूरिज्म टॉप पर दिखाई पड़ेगा। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के टूरिज्म मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो आने वाले 5 सालों में बदलेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को लेकर सरकार जो लक्ष्य रखी उस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका रिजल्ट देखेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां के कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन में जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्हे बच्चों ने प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि जन्माष्टमी का त्यौहार एकता का प्रतीक है और शहर के विद्यालयों में रंगारंग कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है, क्योंकि कल विद्यालय बंद रहेंगे। हमारे यहाँ जन्माष्टमी का पर्व हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाल कृष्ण के रूप में अपने को सजाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हर जगह होते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जन्माष्टमी का कि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश से मनाया। हमारे जूनियर विंग के छात्रों और छात्राओं ने सबने मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हमारे नन्हे मुन्ने जो कलाकार हैं,
ये अलग अलग कृष्ण की और राधा की वेशभूषा में आए। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम किया जिसमें बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी और बड़ी मनमोहक प्रस्तुतियाँ थी बच्चों की। और बच्चों को हमने ये भी बताया कि ये जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। उनको बताया गया कि श्री कृष्ण हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर ये त्यौहार मनाया जाता है और यही श्री कृष्ण जी है जिन्होंने कंस का वध करा था। एक तरह से बच्चों को ये भी मैसेज दिया गया कि अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत किस प्रकार। खबर हरदोई से है जहां के मंगलीपुरवा स्थित जाल सिंह मेमोरियल स्कूल में 11 अगस्त से चल रहे 75 आजादी के अमृत महोत्सव का बुधवार को देश गीत के माध्यम से आजादी के महापुरुषों और शहीदों को नमन करते हुए समापन किया गया। बच्चों ने देशभक्ति के गीतों के माध्यम से देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले महापुरुषों, देशभक्तों और शहीदों को नमन किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो अमृत महोत्सव का आयोजन किया था ये सफल होते हुए दिख रहा है और हमारे देशवासी न जातिवाद ना देकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने हर घर घर में तिरंगा लहरा रहे, ये सब देख के मैं सबका बहुत आभार प्रतीत करती हूँ। अवर स्कूल दलाल जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड बाई वेरी हैप्पीनेस अवर स्कूल फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम एंड डू वेरी वेल। ऑन द लास्ट डे ऑफ अमृत महोत्सव वी वन रिक्वेस्ट टू पब्लिक दैट not two days are important for our country. Every day is important for our country. This and every day has an Indian independence has a much longer tragic past. The glory of this country should be kept up by us Indians because of struggles and sacrifices led by our freedom fighters and Indian Independence Day. Now stand with head held high for almost two countries British colonial rule. पाँच सौ बारह वाले सरहद की सीमा पर रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं। आपका भी कर्तव्य यही बनता है कि आप लोग भले पुलिस वाले आर्मी वाले नहीं हैं तब भी आप लोगों का कर्तव्य यही बनता है कि आप लोग अपने घर पर रह के देश की रक्षा करिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया गया था हर घर तिरंगा एवं अमृत महोत्सव का आज उसका समापन हो चुका है। हर घर तिरंगा और अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम तो समाप्त हो गया लेकिन हमारे दिल से देशभक्ति समाप्त नहीं हुई। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति यही होगी कि हम पढ़ें लिखें आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें, ये है सबसे बड़ी देशभक्ति। धन्यवाद। खबर गोरखपुर से है जहां सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है और गोरखपुर में 10 लाख से अधिक सदस्य बनाने का संगठन का लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। जिस उत्साह के साथ हमारे साथी प्रत्येक स्तर पर जोरदार तरीके से सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर लगे हुए हैं बल्कि पूरी तरह से समाजवादी नीतियों को, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को, इसके उद्देश्य को ले करके लोगों के बीच जा रहे हैं और प्रत्येक गांव-गांव में, बल्कि हमारा प्रयास है कि हम अधिकांश घरों में जा करके और अपने सदस्य बनाएँ। इस क्रम में हमारे साथियों ने तय किया है, गोरखपुर के मित्रों ने, कि हम 10 लाख सदस्य कम से कम गोरखपुर से बनाएंगे। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के अंतिम दिन के दौरे पर थी जहां उन्होंने कूड़े भर धनपतगंज और बल्दीराय ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। वहीं सरकार के निर्देश पर ब्लॉक दिवस का आयोजन कर लोगों की फरियादें सुनी लेकिन आयोजन में अधिकारी नदारद मिले जिसके बाद सांसद ने फोन पर उन्हें फटकार लगाई। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद भी किया गया। वहीं शहीदों के परिजनों का लेखपाल और ग्राम प्रधान ने भव्य जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सभी ग्रामवासी भी मौजूद रहे। आज आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जिला प्रशासन द्वारा हमारी ग्राम पंचायत के
के स्वतंत्रता सेनानी व शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया है। किस तरीके से सम्मानित किया गया उन्हें? साल भेंट कर उन्हें मिठाई खिलाई गई, पुष्प भेंट किए गए। खबर मैनपुरी से है, जहां फिरोजाबाद के एक सिपाही के खाने की गुणवत्ता खराब होने के चलते उसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद इसको लेकर मैनपुरी पुलिस अधीक्षक सतर्क नजर आई तो पुलिस लाइन स्थित मेस का निरीक्षण किया गया और खाने की गुणवत्ता चेक की गई, जिसके बाद दाल में पानी ज्यादा होने पर उन्होंने जमकर मेस में तैनात कर्मचारियों को फटकार लगाई। खबर हरदोई के तड़ियावा थाना क्षेत्र से है, जहां आज दोपहर स्कूल से पैदल घर जा रहे छात्र को एक युवक ने पकड़कर गन्ने के खेत में खींचने का प्रयास किया, जिसे बाइक सवारों ने देख लिया, जिसके बाद युवक छात्र को छोड़कर गन्ने के खेत में घुस गया। जानकारी पर परिजनों को जानकारी दी गई और ग्रामीणों ने घेराबंदी कर युवक को दबोच कर पीटा और दुकान में बंद कर दिया। पुलिस ग्रामीणों को समझा कर युवक को थाने ले गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना टड़ियावा में एक ग्राम में बैठा, वहां पे एक बच्चा अपने स्कूल से लौट रहा था, तो उसी दौरान एक कोतवाली देहात का रहने वाला व्यक्ति अनुज कुमार रैदास, ये जो है बच्चे का हाथ पकड़ के गन्ने खेत की तरफ ले जा रहा था, उसको गांव वालों ने देखा और इसको पकड़ के पुलिस के सुपुर्द किया है। इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और वो गिरफ्तार है, इसमें और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के केशवनगर में 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं भूमि पूजन के अवसर पर विधायक महेश त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल बनाने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा। आज हम लोग जो है दक्षिण की सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ से उर्सुला हेलर लोग जाते थे तो रास्ते में शरीर छोड़ देते थे, तो जब हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो उसी समय से हम लग गए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद देंगे कि आज जो दक्षिण में 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसमें आदरणीय योगी जी का पूरा स्नेह रहा, उनकी आज्ञा से ही ये कार्य हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम सब एक हैं कि मुहिम पर एक प्रभात फेरी का आयोजन शारदा नारायण हॉस्पिटल एवं शारदा नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की तरफ से किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न वर्ग डॉक्टर, नर्स, व्यवसायिक, कृषक, आशा बहुएं, अधिवक्ता, शिक्षक, पत्रकार, एम्बुलेंस एसोसिएशन आदि शामिल हुए। पदयात्रा गाजीपुर तिराहे से शुरू होकर शहीद स्मारक स्थल सिंधी कॉलोनी पे समाप्त हुई, जहां उन्हें पुष्प वर्ष अर्पित किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। छात्राओं ने 100 मीटर लंबा तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और देशभक्ति का संदेश दिया। सारे समाज के लोग, चाहे वो पत्रकार वर्ग हो, चाहे दवा व्यवसायी हो, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन के लोग हैं, चाहे शारदा नारायण इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, हमारे सारे लोग, अधिवक्ता संघ है, नर्सेज है, आशा बहुए है, एम्बुलेंस एसोसिएशन है, हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, सबको मैं अपनी ओर से शारदा नारायण हॉस्पिटल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें शहर के विभिन्न संगठन और शहरवासियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खासतौर से हमारे डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर संजय सिंह साहब का, जो प्रतिदिन पुष्पा कुछ अपना योगदान अपना देते रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शहरवासियों को, शहर संगठन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।